हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समिस ट्यूटोरियल। तो आज मैं एक और अफोर्डेबल एंड बेस्ट मॉइस्चराइज़र का रिव्यू करने वाली हूँ, वो है लैक्टोकैलामाइन ऑयल बैलेंसिंग लोशन। तो चलिए इस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसमें है काओलिन क्ले जो आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन में जो एसेंशियल ऑयल है उसको भी ये रिटेन करने में हेल्प करता है। काओलिन क्ले स्किन के लिए बहुत ही माइल्ड होता है, आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, एक्ने से फाइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी जो स्किन का नेचुरल मॉइस्चर है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है और स्किन को एक्सेसिव ड्राई होने से भी बचाता है। नेक्स्ट इसमें है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में होता है एंटी जर्म प्रॉपर्टीज़ जो आपके पोर्स को अनक्लॉग करने में हेल्प करती है, जिससे आपकी स्किन में जो पिंपल्स होते हैं वो नहीं होते, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। क्योंकि अगर हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो बैक्टीरिया वहाँ पे ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं, देन फिर हमें पिंपल्स होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड उसे रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। ये एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र है जो कि ऑयल को कंट्रोल करता है और आपकी स्किन से जो एक्स्ट्रा दाग धब्बे होते हैं पिंपल्स होने की वजह से उसे भी ये दूर करता है। और इसका जो फार्मूला है वो काफ़ी नॉन ग्रीसी फार्मूला है। आपकी स्किन में जो स्टिकीनेस जो फील होती है मॉइस्चराइज करने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं होता है, और साथ ही साथ ये आपके स्पॉट और पिंपल्स को भी धीरे धीरे दूर करने में ये हेल्प करता है। इसके रेगुलर यूज़ से ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये आपको फेस पे लगाने के बाद एक मैट इफ़ेक्ट देगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होगा। आप इसे भी इसको लगा सकते हैं अपने फेस पे, देन आप इस पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाइए, देन यू आर रेडी टू गो। तो ये इस प्रोडक्ट की खास बात है कि ये फेस को पूरा मैट कर देता है, तो आप इसे एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। मेकअप के पहले अगर आप प्राइमर नहीं लगाना चाहते तो आप ये लैक्टोकैलामाइन को एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है एज अ प्राइमर। इसमें एक और बॉटल आता है जो कि ग्रीन कलर का है, वो नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए। ये पर्पल बॉटल जो है वो ऑयली स्किन वालों के लिए है। और इसमें ये मॉइस्चराइज़र आपको समर सीज़न के लिए भी बेस्ट है और रेनी सीज़न के लिए भी बेस्ट है। बाकी विंटर सीज़न में आप थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइज़र लगाओगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को भी अब्जॉर्ब करता है। इसलिए ये विंटर के लिए नहीं, समर और रेनी सीज़न के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे रेगुलर यूज़ करने से आपके पिंपल्स और एक्ने भी कंट्रोल हो जाते हैं। अगर आपके फेस पे कोई एक्ने या पिंपल आया है तो आप इसे अगर वो स्पॉट करेक्शन की तरह ओवरनाइट उस पर लगा के रख दोगे तो भी ये आपके पिंपल को धीरे धीरे सुखा देगा, ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये एक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है तो इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। ये छोटा बॉटल है मेरे पास, ये कितने ml का है, ये 30 ml की बॉटल है मेरे पास और इसका प्राइस है 75 rupees। ये छोटा बॉटल है, अगर आप इसमें बड़ा बॉटल भी लोगे तो वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसमें आपको 60 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है और इसका प्राइस है 128 rupees। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही बेस्ट वर्क करता है। अगर बात कर ले इसके मॉइस्चराइज़र के बारे में तो मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा टिंटेड कलर है, देखिए कुछ इस तरीके का पिच काइंड ऑफ कलर है और काफ़ी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है ये, तो स्किन में बिल्कुल भी हैवीली फील करेगा नहीं ये और इजीली ब्लेंड भी हो जाएगा। ये इजीली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और मैट लुक देगा आपकी स्किन में। तो ये था ये रिव्यू छोटा सा लैक्टोकैलामाइन प्रोडक्ट के बारे में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।